नमो भगवते वासुदेवाय नमः। ओम नमः शिवाय। हरे कृष्णा। भगवान श्री कृष्ण और राधा रानी का आशीर्वाद आप पर और आपके संपूर्ण परिवार पर सदा सर्वदा बना रहे और आप सभी का दिन शुभ और मंगलमय हो। हे प्रिय भक्तों, कथाओं को इतना प्यार देने के लिए आप सभी का दिल से बहुत बहुत धन्यवाद। आज राधा अष्टमी की कथा भी पोस्ट कर दी गई है, तो महात्म्य कथा के बाद वह कथा भी अवश्य सुनिएगा। तो आइए आज की कथा प्रारंभ करते हैं। महात्म्य कथा से पहले आइए सुनते हैं राधा रानी की एक बहुत ही सुंदर कथा। एक बार नारद मुनि ने पृथ्वी लोक पर राधा नाम की बड़ी महिमा सुनी और यह भी सुना कि श्री कृष्ण की सबसे बड़ी भक्त राधा रानी है। नारद जी को लगता था कि वही श्री हरि के सबसे बड़े भक्त हैं और अपने मन की शंका का निवारण करने के लिए नारद जी श्री कृष्ण जी के पास गए। श्री कृष्ण जी तो अंतर्यामी हैं, वे समझ गए कि नारद जी के मन में क्या शंका चल रही है। श्री कृष्ण जी ने सोचा कि नारद जी को राधा रानी के प्रेम और भक्ति का अनुभव करवाना ही पड़ेगा। जब नारद जी श्री कृष्ण जी के पास आए तो श्री कृष्ण जी अपना सर पकड़कर बैठे हुए थे। नारद जी ने श्री कृष्ण से पूछा कि हे प्रभु, आपको क्या हुआ है? तब श्री कृष्ण जी कहने लगी कि नारद जी, मेरे सिर में बहुत दर्द है। नारद जी ने पूछा कि प्रभु, आपके इस दर्द का निवारण कैसे होगा? तब श्री कृष्ण जी ने कहा कि अगर कोई मेरा सच्चा भक्त अपने चरणों को धोकर उसका चरणामृत मुझे पिलाए तो मेरे सिर का दर्द ठीक हो जाएगा। फिर नारद जी सोचने लगे कि मैं श्री हरि का सच्चा भक्त हूँ, लेकिन श्री कृष्ण को अपने चरणों का चरणामृत पिलाने से मुझे नरक तुल्य पाप लगेगा, इसलिए ऐसा पाप मैं अपने सिर पर नहीं ले सकता। नारद जी ने रुक्मणी जी से और बाकी रानियों से भी इस समस्या को सुनाया, लेकिन कोई भी इस पाप को अपने सिर पर लेने के लिए तैयार नहीं हुआ। नारद जी को फिर राधा रानी की याद आई कि वह भी तो श्री कृष्ण की सच्ची भक्त हैं। यह सोचकर नारद जी ने जाकर सारा प्रसंग राधा रानी को सुनाया। राधा रानी ने उसी समय एक बर्तन में जल लेकर अपने चरणों को धोकर वह जल नारद जी को दिया और कहा कि जल्दी से जाकर इसे श्री कृष्ण जी को दे देना। राधा रानी नारद जी से कहने लगी कि मैं जानती हूँ कि इस बात के लिए मुझे नरक तुल्य पाप लगेगा। राधा रानी आगे नारद जी से कहती हैं कि श्री कृष्ण के दर्द के निवारण के लिए मैं कोई भी पाप अपने सिर पर लेने के लिए तैयार हूँ। नारद जी श्री कृष्ण जी के पास गए और श्री कृष्ण मंद मंद मुस्कुरा रहे थे। अब तक नारद जी समझ गए कि राधा रानी श्री कृष्ण से निश्चल प्रेम करती हैं और उनकी सबसे बड़ी भक्त हैं, तथा श्री कृष्ण ने यह सारी लीला मुझे यह एहसास कराने के लिए ही रची थी। तो प्रेम से बोलिए राधा कृष्ण भगवान की जय। तो आइए अब रसपान करते हैं आज की महात्म्य कथा में आगे का वृतांत। ओम नमो नारायणाय। हे प्रिय भक्तों, नरकासुर के महल में जो रतन थे उन्हें भगवान श्री कृष्ण ने अपने अधिकार में कर लिया। अंतःपुर में जाकर उन्होंने 16,100 कन्याएं देखी, 4 दांत वाले 6,000 हाथी और काम्बोज देश के 21,00,000 घोड़े भी देखे। श्री गोविंद ने उन कन्याओं, हाथियों और घोड़ों को द्वारकापुरी भेज दिया। वरुण के छत्र और मणि पर्वत पर भी दृष्टि पड़ी। उन्हें भगवान ने पक्षीराज गरुड़ पर रख लिया। फिर सत्यभामा के साथ स्वयं भी गरुड़ पर सवार होकर अदिति को कुंडल देने के लिए स्वर्ग लोक में गए। वरुण के छत्र, मणि पर्वत और पत्नी सहित श्री कृष्ण को पीठ में लिए गरुड़ जी मौज से चले जा रहे थे। स्वर्ग के द्वार पर पहुंचकर श्री कृष्ण ने शंख बजाया और शंख की आवाज सुनकर संपूर्ण देवता अर्घ्य पात्र लिए भगवान की सेवा में उपस्थित हुए। उनके द्वारा पूजित होकर
भगवान श्री कृष्ण देव माता अदिति के महल में गए। वह भव्य भवन श्वेत बादलों के समान धवल और पर्वत शिखर के सदृश ऊंचा था। उसमें प्रवेश करके भगवान ने अदिति को देखा और इंद्र सहित उनके चरणों में प्रणाम किया। फिर दोनों दिव्य कुंडल उन्हें अर्पित किए और नरकासुर के मारे जाने का समाचार भी कह सुनाया। इससे जगन माता अदिति को बड़ी प्रसन्नता हुई। उन्होंने भगवान में मन लगाकर जगदाधार श्री हरि की इस प्रकार स्तुति की। अदिति बोली, भक्तों को अभय देने वाले कमल नयन परमेश्वर आपको नमस्कार है। आप सनातन आत्मा, भूतात्मा, सर्वात्मा और भूत भावन है। मन, बुद्धि और इंद्रियों के प्रेरक हैं। गुण स्वरूप आप श्वेत, दीर्घ आदि संपूर्ण कल्पनाओं से रहित हैं। जन्म आदि विकारों से पृथक हैं तथा स्वप्न आदि तीनों अवस्थाओं से परे हैं। आपको मेरा नमस्कार है। हे अच्युत, संध्या, रात्रि, दिन, भूमि, आकाश, वायु, जल, अग्नि, मन, बुद्धि और अहंकार सब आप ही हैं। हे ईश्वर, आप ब्रह्मा, विष्णु और शिव नामक अपनी मूर्तियों से जगत की सृष्टि, स्थिति और सहार करने वाले हैं। आप कर्ताओं के भी अधिपति हैं। यह चराचर जगत आपकी मायाओं से व्याप्त है। हे जनार्दन, अनात्म वस्तु में जो आत्म बुद्धि होती है वह आपकी ही माया है। उसी के द्वारा अहंता और ममता का भाव उत्पन्न होता है। हे नाथ, इस संसार में जो कुछ भी होता है वह सब आपकी माया की ही चेष्टा है। भगवान, जो मनुष्य अपने धर्म में तत्पर होकर आपकी निरंतर आराधना करते हैं वे अपनी मुक्ति के लिए इस सारी माया को तर जाते हैं। ब्रह्मा आदि संपूर्ण देवता, मनुष्य और पशु, ये सभी श्री विष्णु माया के महान भंवर में पड़े हुए मोह अंधकार से आवृत हैं। हे भगवान, जो आपकी आराधना करके भोगों को प्राप्त करना चाहता है वे आपकी माया द्वारा बंधे हुए हैं। मैंने भी पुत्र की कामना से और शत्रु पक्ष का नाश करने के लिए आपकी आराधना की है, मोक्ष के लिए नहीं की। यह आपकी माया का ही विलास है। हे प्रभु, अपनी माया से संपूर्ण जगत को मोहित करने वाले अविनाशी परमेश्वर मुझ पर प्रसन्न होइए। ज्ञान स्वरूप संपूर्ण भूतेश्वर मेरे अज्ञान का नाश कीजिए। आपके हाथों में चक्र, शंख, धनुष, गदा और शंख शोभा पाते हैं। हे विष्णु, आपको बारंबार नमस्कार है। हे परमेश्वर, शंख, चक्र आदि स्थूल चिन्हों से सुशोभित आपके इस रूप का मैं दर्शन करती हूँ। आपका जो परम सूक्ष्म स्वरूप है उसको मैं नहीं जानती। आप मुझ पर प्रसन्न होइए। देव माता अदिति की इस प्रकार स्तुति करने पर भगवान श्री कृष्ण हंस कर बोले, हे देवी, आप हम सब लोगों की माता हैं, इसीलिए आप ही प्रसन्न होकर हमें वरदान दें। अदिति बोली, एवं अस्तु नरश्रेष्ठ, जैसी आपकी इच्छा है मैं वही करूंगी। आप मतर्य लोक में संपूर्ण देवताओं और असुरों से अजय होंगे। उसके बाद सत्यभामा ने इंद्राणी सहित अदिति को प्रणाम किया और कहा कि हे देवी, आप मुझ पर भी प्रसन्न हो। फिर अदिति ने कहा, हे सुभ्रो, मेरी कृपा से तुम्हें वृद्धावस्था और कुरूपता नहीं स्पर्श कर सकती। तुम्हारी संपूर्ण कामनाएं पूर्ण होंगी। उसके बाद अदिति की आज्ञा से देवराज इंद्र ने भगवान श्री कृष्ण का आदर पूर्वक पूजन किया। श्री कृष्ण भी सत्यभामा के साथ देवताओं के नंदन वन आदि संपूर्ण उद्यानों में घूमने फिरने लगे। एक स्थान पर भगवान श्री कृष्ण ने पारिजात का एक वृक्ष देखा जो परम सुगंधित मंजरियों से सुशोभित, शीतलता और प्रसन्नता प्रदान करने वाला, ताम्र वर्ण के पल्लवों से अलंकृत और स्वर्ण के समान कांतिमान था। अमृत के लिए समुद्र का मंथन होते समय वह प्रकट हुआ था। उसे देखकर सत्यभामा ने श्री गोविंद से कहा, हे नाथ, इस वृक्ष को आप द्वारका क्यों नहीं ले चलते?
आप कहते हैं सत्य भामा मुझे बड़ी प्रिय है। यदि आपकी यह बात सत्य हो तो मेरे घर के आंगन की शोभा बढ़ाने के लिए इस वृक्ष को ले चलिए। सत्य भामा के ऐसा कहने पर भगवान श्री कृष्ण ने पारिजात को गरुड़ पर रख लिया। यह देखकर उस वन के रक्षकों ने कहा, हे गोविंद, देवराज की महारानी जो शची हैं, उनका इस पारिजात पर अधिकार है, आप उनके इस प्रिय वृक्ष को ना ले जाइए। देवताओं ने अमृत मंथन के समय महारानी शची को विभूषित करने के लिए ही इस वृक्ष को प्रकट किया था। आप इसे लेकर कुशल पूर्वक नहीं जा सकते। आप अज्ञान वश ही इसे ले जाने की अभिलाषा करते हैं। भला इस पारिजात को लेकर कौन कुशल से जा सकता है? देवराज इंद्र इसका बदला लेने के लिए अवश्य आएंगे। जब वे हाथ में वज्र लेकर आगे बढ़ेंगे तब संपूर्ण देवता भी उनका साथ देंगे। इसीलिए संपूर्ण देवताओं के साथ आपको विवाद करने से क्या लाभ? हे अच्युत, जिस कार्य का परिणाम कटो हो उसकी विद्वान पुरुष प्रशंसा नहीं करते। वन रक्षकों के ऐसा कहने पर सत्यभामा देवी अत्यंत कोपित होकर बोले, शची अथवा देवराज इंद्र इस पारिजात को लेने वाले कौन होते हैं? यदि यह अमृत मंथन के समय समुद्र से निकला है तब तो इस पर संपूर्ण लोगों का समान अधिकार है। इसे इंद्र अकेले कैसे ले सकते हैं? यदि अपने पति की भुजाओं के बल का अधिक घमंड होने के कारण शची इस वृक्ष को रोकती है तो तुम लोग शीघ्र शची के पास जाकर मेरी यह बात कहो। हे प्रिय भक्तों, सत्यभामा अपने पति पर गर्व करके धृष्टता पूर्वक कहती हैं कि यदि तुम अपने पति को अत्यंत प्रिय हो तो पारिजात वृक्ष को लेकर जाते हुए मेरे पति को उनके द्वारा रोको। यह सुनकर रक्षकों ने शची के पास जाकर सत्यभामा की कही हुई सारी बातें जैसी की तैसी सुना दी। शची ने भी अपने स्वामी देवराज इंद्र को युद्ध के लिए उत्साहित किया। तब इंद्र पारिजात के लिए संपूर्ण देव सेना को साथ लेकर श्री हरि से युद्ध करने को तत्पर हुए। हे प्रिय भक्तों, जब इंद्र हाथ में वज्र लेकर युद्ध करने के लिए खड़े हुए तब समस्त देवता भी परिग, खड़ग, गदा और शूल आदि आयुधों के साथ तैयार हो गए। भगवान श्री कृष्ण ने देखा कि इंद्र एरावत पर सवार होकर देव परिवार को साथ लेकर युद्ध के लिए उपस्थित है। तब उन्होंने पंचजन्य शंख बजाया। उसकी ध्वनि से संपूर्ण दिशाएं गूंज उठी और साथ ही उन्होंने सहस्त्रों और लाखों बाणों की वर्षा आरंभ कर दी। उन बाणों से संपूर्ण दिशाएं और आकाश आच्छादित हो गए। यह देखकर संपूर्ण देवता भी अनेक प्रकार के अस्त्र शस्त्रों की वर्षा करने लगे। संपूर्ण जगत के स्वामी भगवान मधुसूदन ने देवताओं के छोड़े हुए एक एक अस्त्र शस्त्र के खेल खेल में ही हजारों टुकड़े कर डाले। पक्षीराज गरुड़ ने वरुण के पाश को खींच लिया और छोटे छोटे सांपों के शरीर की भांति उसके टुकड़े टुकड़े कर डाले। भगवान देवकी नंदन ने यमराज के चलाए हुए दंड को गदा की मार से टुकड़े टुकड़े करके पृथ्वी पर गिरा दिया। कुबेर की शिबिका को चक्र से तिल तिल करके काट डाला। सूर्य और चंद्रमा उनकी दृष्टि पड़ते ही अपना तेज और प्रभाव खो बैठे। अग्निदेव के सैकड़ों टुकड़े हो गए। आठों वसुओं ने भगवान के बाणों की चोट खाकर आठों दिशाओं की शरण ली। 11 रुद्र भी धराशाही हो गए। उनके त्रिशूलों के अग्र भाग चक्र की धार से छिन्न भिन्न हो गए। साध्य, विश्वेदेव, मरुदगण और गंधर्व शंख धनुषधारी भगवान श्री कृष्ण के बाणों से आहत होकर सेमर की रुई के समान आकाश में उड़ने लगे। गरुड़ तो सदा आकाश में ही चलने वाले ठहरे। उन्होंने चौंच से, पंखों से और पंजों से भी देवताओं और दानवों को घायल कर डाला। उसके बाद देवराज इंद्र
और भगवान मधुसूदन एक दूसरे पर हजार हजार बाणों की वर्षा करने लगे। ऐसा लगता था कि मानो दो मेघ परस्पर जल की धाराएं बरसाते हैं। एरावत और गरुड़ में घमासान युद्ध होने लगा। जब सब प्रकार के अस्त्र शस्त्र कटकर गिर गए, तब इंद्र ने वज्र और श्री कृष्ण ने सुदर्शन चक्र हाथ में लिया। उन दोनों को वज्र और चक्र हाथ में लिए देखकर चराचर जीवों सहित संपूर्ण त्रिलोकी में हाहाकार मच गया। आखिरकार इंद्र ने वज्र को चला ही दिया, किंतु भगवान श्री कृष्ण ने उसे हाथ में पकड़ लिया। उन्होंने अपना चक्र नहीं छोड़ा, केवल इतना ही कहा कि खड़ा रहे खड़ा रहे। देवराज का वज्र व्यर्थ हो गया और उनके वाहन को गरुड़ ने क्षत विक्षत कर डाला, इसीलिए वे रणभूमि से भागने लगे। उस समय सत्यभामा ने कहा, हे त्रिलोकीनाथ, आप तो महारानी शची के पति हैं, आपका युद्ध भूमि से भागना उचित नहीं। पारिजात पुष्पों के हार से सुशोभित एवं प्रेम पूर्वक आई हुई शची को यदि आप पहले की भांति विजयी होकर नहीं देखेंगे, तो आपके लिए यह देवराज का पद कैसा प्रतीत होगा। हे इंद्र, अब अधिक प्रयास करने की आवश्यकता नहीं, आप लज्जा का अनुभव ना करें। आप यह पारिजात ले जाइए जिससे देवताओं की पीड़ा दूर हो। मैं आपके घर गई थी, किंतु शची ने पति के गर्भ से उन्मत होकर मुझे आदर के साथ नहीं देखा। आखिरकार मैं भी स्त्री ही ठहरी और मुझे भी अपने पति पर गर्व है, तथा स्त्री होने के कारण मेरा मन भी अधिक गंभीर नहीं है, इसीलिए मैंने आपके साथ युद्ध ठान दिया। यह पारिजात दूसरे का धन है, इसका अपहरण करने से मुझे कोई लाभ नहीं। सत्यभामा के ऐसा कहने पर देवराज इंद्र लौट आए और बोले कि हे मानिनी, खेत को अधिक बढ़ाने से क्या लाभ, जो संपूर्ण जगत की सृष्टि पालन और सहार करने वाले हैं, उन विश्व रूपधारी परमेश्वर से युद्ध में हार जाने पर भी मुझे लज्जा नहीं हो सकती। हे देवी, जिनका आदि अंत और मध्य नहीं है, जिनमें संपूर्ण जगत की स्थिति है, जिनसे इसकी उत्पत्ति हुई है और जिन सर्वभूतमय परमेश्वर से ही इसका सहार होगा, उन सृष्टि पालन और सहार के कारणभूत परमात्मा से परास्त होने पर मुझे लज्जा क्यों होने लगी। जिनकी अत्यंत अल्प और सूक्ष्म मूर्ति को, जो संपूर्ण जगत की जननी है, सब वेदों के ज्ञाता होने पर भी दूसरे मनुष्य नहीं जान पाते, जो स्वेच्छा से ही सदा जगत का उपकार करते हैं, उन अजन्मा अकर्ता तथा सबकी आदिभूत इन सनातन परमेश्वर को जीतने में कौन समर्थ हो सकता है। व्यास जी कहते हैं कि देवराज इंद्र के इस प्रकार स्तुति करने पर भगवान श्री कृष्ण ने गंभीर भाव से हंसकर कहा, हे जगतपति, आप देवराज इंद्र हैं और हम मनुष्य हैं। आपको मेरे द्वारा किया हुआ यह अपराध क्षमा करना चाहिए। यह रहा आपका पारिजात वृक्ष, इसे इसके योग्य स्थान पर ले जाइए। हे इंद्र, मैंने तो केवल सत्यभामा की बात रखने के लिए ही इसको ले लिया था। आपने मेरे ऊपर जो वज्र चलाया था, उसे भी लीजिए। यह शत्रु सहारक अस्त्र आपका ही है। फिर इंद्र बोले, हे प्रभु, मैं मनुष्य हूँ, यह कहकर आप मुझे क्यों मोह में डाल रहे हैं। हे भगवान, हम तो आपके इस सगुण स्वरूप को ही जानते हैं, आपके सूक्ष्म स्वरूप का ज्ञान हमें नहीं है। हे जगन्नाथ, आप जो कोई भी हो, इस समय जगत की रक्षा में तत्पर हैं। असुर सुदन, आप संसार का कंटक दूर कर रहे हैं। हे श्री कृष्ण, यह पारिजात आप द्वारकापुरी को ले जाएं। जब आप मतर्य लोक छोड़ देंगे, तब यह पृथ्वी पर नहीं रहेगा। हे प्रिय भक्तों, बहुत अच्छा, ऐसा कहकर भगवान श्री हरि भूलोक में चले आए। उस समय सिद्ध गंधर्व तथा ऋषि महर्षि उनकी स्तुति कर रहे थे। उत्तम पारिजात वृक्ष लेकर
श्री कृष्ण अचानक द्वारकापुरी के ऊपर जा पहुंचे। उन्होंने शंख बजाकर द्वारका वासियों के हृदय में हर्ष भर दिया। फिर सत्यभामा के साथ गरुड़ से उतरकर पारिजात को उनके आंगन में लगाया। हे प्रिय भक्तों, उसके नीचे जाने पर सब लोगों को अपने पूर्व जन्म की बातें याद आ जाती थी। उसके फूलों की सुगंध से 12 कोस तक की पृथ्वी सुवासित रहती थी। संपूर्ण यादवों ने उस वृक्ष के पास जाकर जब अपना मुख देखा, तब उन्होंने अपने को अमानव देवता तुल्य पाया। ओम नमो नारायणाय। हे प्रिय भक्तों, तो आज की महत्तम में कथा में बस इतना ही। इससे आगे का वर्णन आप अगले अध्याय में सुनेंगे। तो मिलते हैं अगली कथाओं के साथ। तब तक के लिए हरे कृष्णा।